डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर दे विच 7 अक्टूबर 2020 तक कोविड दे 1,17,313 सैंपल लए जा चुके ने, जिदे विचों 1,11,226 टेस्ट का रिजल्ट नैगेटिव आया है। तो हुण तक पॉजिटिव केसिस की गिनती डिस्ट्रिक्ट 4,893 है। अज की डेट तक जिहड़े एक्टिव केसिस ने करंटली एक्टिव होशियारपुर दे विच 581 हैं, तो जिहड़े ठीक हो चुके मरीजों की गिनती 4,135 है। अज डिस्ट्रिक्ट 44 नवे केसिस आए ने करोना वायरस के, तो कोई भी डैथ अज रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन कुल हूँ तक जिले के 177 डैथ्स कोविड के नाल रिपोर्ट हो चुकी ने। कोई भी कंटेनमेंट जोन इस टाइम डिस्ट्रिक्ट नहीं है, 6 हॉटस्पॉट्स ने, तो एक माइक्रो कंटेनमेंट जोन भगतूपुर तहसील गढ़शंकर दे विच है, जो कि कल ही इसनों माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिकलेयर किया गया है। जिमें कि तुसी जानते हो कि गवर्नमेंट वालों हुण करफ्यू या लॉकडाउन संबंधी सारिया जो रिस्ट्रिक्शन सी पाबंदियां सी उन्हां नूं हटा लिया गया है। दुकाना दे खुलण ते बंद होण दे समय ते कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि असी करोना वायरस ते पूरी तरह जित प्राप्त कर चुके हाँ या करोना वायरस का हुण डर नहीं रहा। इस समय भी सानू जरूरत है कि असी सारिया चीज़ा जो खुल गई हैं, सारा काम नॉर्मल रूटीन दे विच चलांदे होए नाल प्रिकॉशंस भी लेंदे रहिए। सोशल डिस्टेंसिंग करके रखिए, भीड़ वाली जगहों नू अवॉइड करिए, ते मास्क जरूर पहन के रखिए। जिमें मैं हमेशा अपने पिछले भी सारिया मैसेजिस दे विच यह कहती रही हूँ कि जदों तक करोना वायरस की कोविड-19 की कोई वैक्सीन या दवाई नहीं आ जाती, उदों तक साडा मास्क ही साडी दवाई ते वैक्सीन का काम करेगा। सो ये जरूर अपना मास्क पहन के रखिए। आपां इह देखण दे विच हुण आ रहा है कि हौली हौली लोग इस गल की गंभीरता नू गल नू गंभीरता नाल नहीं लै रहे, ते बाहर देखण दे विच आंदा है कि 25 to 30% लोग हुण या तां मास्क नहीं पहन रहे या उन्हों ठीक तरह नहीं पहनते। सो जे असी चाहते हाँ कि साडे जिले दे विच केसिस की गिनती घटे, डैथ्स की गिनती घटे, तो बहुत जरूरी है कि हर एक बंदा अपना जिहड़ा प्रिकॉशन है वह जरूर लवे। मंडिया दे विच जिहड़ा पैडी की खरीद, झोने की खरीद है, वह स्टार्ट हो चुकी है। तकरीबन 108 मंडिया डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर दे विच डिकलेयर हुई ने परचेज सेंटर। कोविड नूं देखते हुए यह गिनती वधाई गई है ताकि एक मंडी दे विच ज़्यादा भीड़ ना हो। कोविड-19 के सारे जिहड़े इंतजाम ने मंडिया दे विच कीते गए ने, मास्क, सैनिटाइजर, ये सारे प्रोवाइड कराए गए ने उत्थे दी लेबर नूं, आड़तियां नूं, फार्मर्स नूं, फार्मर्स दियां इवन ट्रॉलीज जिहड़ियां है उन्हां दे वहीकल्स है उन्हां नूं सैनिटाइज़ किया जा रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट वालों सारिया मंडिया दे विच टेस्टिंग भी स्टार्ट कर दिती गई है, तो जेकर कोई पॉजिटिव केस पाया जा रहा है तो उन्हें असी इमीजिएटली क्वारंटाइन कर रहे हैं। इस दे नाल ही जिहड़ी झोने की पराली नू फसल की रहिंद खूंद नू अग लगाण की समस्या है, उहदे लई भी जिला प्रशासन वालों टीमां की रचना कर दिती गई है। हर तहसील हर ब्लॉक दे विच ये टीम्स जिहड़ियां है, जेकर किते भी कोई फसल की रहिंद खूंद नू अग लगांदा है तो इमीजिएटली मौके पर पहुँच के जो गवर्नमेंट दी हदायतां ने चलान दी या FIR दी वो कार्रवाई करनगियां। लेकिन मैं ये अपील करदी हाँ सारे साडे किसान वीरां नू कि इस तरह की नौबत ना आए कि सानू कोई पीनल एक्शन लेना पवे। असी खुद अपनी जिम्मेदारी समझते हुए वातावरण प्रति ते साडी सेहत दे प्रति जिम्मेदारी समझते हुए असी यह इस वारी झोने की पराली नू अग्गां नहीं लगानी आ, क्योंकि इहदे नाल कोविड-19 जो कि एक फेफड़िया की बीमारी है उहदे विच होर वाधा हो सकता है, तो जिहड़ा साडा हेल्थ सिस्टम है उहदे ते होर प्रैशर पएगा। इसलिए होर भी ज़्यादा जरूरी है कि इस वारी असी जो पैडी स्टबल है उसनू जिन्हों आप फसल की रहिंद खूंद कहने उसनू अग ना लगाइए। इस तो अलावा डेंगू दे जिहड़े केसिज ने वो डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर दे विच हुण तक 70 केसिज रिपोर्ट होए ने, कन्फर्म्ड केसिज डेंगू दे, ते इहदे लई भी जिहड़ियां साडियां कारपोरेशन ते अलग अलग नगर कौंसलां ने उन्हां दियां टीम्स फॉगिंग लगातार वार्ड वाइज कर रहे हैं। तो पर फिर भी सारिआं नूं मेरी अपील है, एडवाइस है कि असी अपना ख्याल खुद रखिए। घरां दे विच असी जरूर 2-3 दिन बाद चैक करते रहिए कि साडे घर दे विच किते कोई पानी तां नहीं खड़ा कूलरस दे विच या कोई किसी तरह के कंटेनर यूटेंसिल्स दे विच गमलिआं दे विच
ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਓਪਨ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਸ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਟਿਵ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਥਰੂ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨਸ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਆ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਤੇ ਮਾਸਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ।